हेलो स्टूडेंट, आई एम जोशी चौबे। टुडे सब्जेक्ट इज इंग्लिश, इंग्लिश भारतीय स्टैंडर्ड 2। लेट स्टार्ट। पेज नंबर 57। 4.5 लैंग्वेज स्टडी। पोजिशन वर्ड्स, यहाँ कौन से वर्ड्स है? पोजिशन वर्ड्स। पोजिशन यानी उसकी स्थिति कहाँ है, वो कहाँ रखे, उसके वर्ड्स दिए। जैसे हम बोलते हैं ना, ऊपर नीचे, उसको बोलते हैं पोजिशन वर्ड। लुक एट द पिक्चर्स, रीड अलाउड एंड इनएक्ट। देखो पिक्चर्स देखेंगे हम लोग। देखो ये फर्स्ट पिक्चर। ओ हो, आई नीड माई इंग्लिश बुक टू कम्प्लीट माई प्रोजेक्ट, वेयर इज इट। ये लड़की क्या बोल रही है? मुझे मेरे इंग्लिश का बुक चाहिए टू कम्प्लीट माई प्रोजेक्ट, मेरा जो स्कूल में कुछ प्रोजेक्ट दिया होगा वो कम्प्लीट करने के लिए। वेयर इज इट, वो कहाँ है? तो देखो ये सेकंड चित्र में क्या दिख रही है, सेकंड पिक्चर में। ऑन द टेबल? नो। ऑन द टेबल? नो। वो खुद ही अपने को क्वेश्चन करी, वो टेबल पर है क्या, और खुद ही बोल रही नो उसको, क्योंकि टेबल पर नहीं दिखा। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। ऑन, ऑन ये क्या है? प्रेपोजिशन है। ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है। नो, नेक्स्ट वर्ड है नियर द टीवी। नो, टीवी के पास है क्या? वो कहाँ देख रही है? फिर से टीवी के पास देख रही है। पास, नियर है ना, पास, ये भी प्रेपोजिशन है। ऑन, नियर, टीवी के पास भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, बिहाइंड द बैग, बैग के पीछे है क्या? नो, बैग के पीछे भी नहीं है, ये भी एक प्रेपोजिशन है, बिहाइंड। अंडर द चेयर? नो, चेयर के अंदर है क्या? चेयर के ये नीचे है क्या? नो, अंडर है प्रेपोजिशन। इन माई पर्स, मेरे पर्स में है क्या मेरा प्रोजेक्ट? इन, पर्स के अंदर। इन माई पर्स, यस, उसको कहाँ मिला? उसके पर्स के अंदर मिला, सो इन माई पर्स। चलो, वर्ड्स दैट शो द पोजिशन आर पोजिशन वर्ड्स। जो वर्ड्स हमें पोजिशन बताते हैं यानी कहाँ है, उसको कौन से वर्ड्स बोलते हैं? पोजिशन वर्ड्स बोलते हैं। तो चलो, यहाँ कौन कौन से वर्ड्स आए पोजिशन वर्ड्स? ऑन, नियर, बिहाइंड, अंडर एंड इन। इस तरह हमारा पेज नंबर 57 कंप्लीट हुआ। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 58। देखो नंबर 8, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पिक्चर्स देखने हैं और यहाँ जो मिसिंग दिया है वो हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। द पीकॉक इज सीटिंग द ट्री। पीकॉक कहाँ बैठा है? ट्री के ऊपर बैठा है। तो यहाँ कौन सा शब्द आएगा? बिल्कुल सही, द पीकॉक इज सीटिंग ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर। नंबर टू, द मैन इज स्टैंडिंग द कार। ये मैन स्टैंडिंग कहाँ है? खड़ा कहाँ है? कार के पास खड़ा है। तो पास के लिए शब्द कौन सा है? नियर। द मैन इज स्टैंडिंग नियर द कार। चलो नेक्स्ट पिक्चर देख रहे हैं हम। देयर इज वाटर द जार। तो देयर इज वाटर इन द जार, पानी कहाँ है? जार में पानी है। तो क्या आएगा शब्द? इन। द कार इज पार्क द ट्री। तभी कार कहाँ पार्क की है? ट्री के नीचे पार्क की है, ट्री के नीचे। अभी द कार इज पार्क अंडर द ट्री, क्या बोलेंगे? द कार इज पार्क अंडर द ट्री। अभी नेक्स्ट देखो, द रैबिट इज हाइडिंग द ट्री। ट्री, ये रैबिट कहाँ छुपा है? हाइडिंग यानी छुपना, कहाँ छुप रहा है वो? है बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे छुपा है। तो यहाँ का कौन सा शब्द आएगा? बिहाइंड, द रैबिट इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। ओके, इस तरह हमारा नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अभी हम नंबर 2 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ड्रॉ द पिक्चर इन द बॉक्स। आपको क्या करना है? ये सेंटेंस रीड करने हैं और यहाँ पिक्चर ड्रॉ करना है। द एप्पल इज ऑन द टेबल। तो हमें क्या करना है? यहाँ एक टेबल निकालना है, उस पर हमें क्या दिखाना है? एप्पल दिखाना है।
तो देखो हमने यहाँ क्या निकाला, टेबल निकाला और उसके ऊपर एप्पल निकाला, द एप्पल इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट है द बॉल इज अंडर द टेबल, बॉल कहाँ है, टेबल के नीचे है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ टेबल निकाला और उसके नीचे क्या दिखाया, बॉल दिखाया। ओके इस तरह हमारा पेज नंबर 58 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 59, नंबर सी, डू यू डू दिस, से येस और नो, आप ये करते हो क्या, करते होंगे तो येस लिखना, नहीं करते होंगे तो नो लिखना। आई राइट ऑन अ पेपर विथ अ चॉक, हम मैं पेपर पर चॉक से लिखता हूँ। हम पेपर पर चॉक से लिखते हैं, नहीं, पेपर पर किससे लिखते हैं, पेन और पेंसिल से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नो, नो नो। नेक्स्ट है नंबर टू, आई वेयर क्लीन यूनिफॉर्म व्हेन आई गो टू स्कूल, मैं जब स्कूल जाता हूँ तो मैं क्लीन यूनिफॉर्म पहनता हूँ। ये बात कैसी है, सच है, यस। क्या लिखना है हमें, एस लिखना है, क्योंकि हमें स्कूल में जाते समय क्लीन यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। आई ड्रिंक माई बुक, मैं अपनी किताब पीता हूँ। ड्रिंक, हम ड्रिंक करना है ना पीना, तो हम कभी किताब पीते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, तो ये क्या है, नो। तो यहाँ क्या लिखना है, नो, ए नो नो। नेक्स्ट है आई सीट ऑन बेंच, हम स्कूल में जाते हैं तो बेंच पर बैठते हैं, क्या ये बेंच है और ये सामने वाला डेस्क होता है, तो ये क्या है, क्या लिखेंगे हम यहाँ, एस लिखेंगे। नंबर फाइव, आई कीप माई क्लासरूम क्लीन, मैं अपनी क्लासरूम बिल्कुल क्लीन रखता हूँ। ये बात कैसे सही है, और हमने सबने हमारी क्लासरूम कैसे रखनी चाहिए, क्लीन रखनी चाहिए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एस। नंबर सिक्स है आई यू बाट टू माई बुक्स एवरी डे, मैं अपने बुक्स को नहलाती हूँ, डेली नहलाती हूँ। हम खुद नहाते हैं, बुक्स अगर हम बुक्स को नहलाएंगे तो बुक्स क्या हो गए, गीले हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। ये बात कैसी है, झूठी है, ये कभी करना नहीं चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। आई आस्क क्वेश्चंस एंड टीचर आंसर्स देम, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और टीचर आंसर देती है, तो ये बात क्या है, नो। डेली क्या होता है, अगर कुछ पढ़ाने के बाद टीचर हमें क्वेश्चन पूछती है और फिर हम आंसर देते हैं, नहीं, टीचर पूछती है और स्टूडेंट आंसर देते हैं, तो मोस्टली क्या होता है, कौन ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, टीचर पूछती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आई आस्क क्वेश्चंस एंड टीचर आंसर्स दे, तो लेकिन टीचर पूछते, एक हाथ बार स्टूडेंट पूछते कि कुछ डिफिकल्टी हुई, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, नो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नंबर डी, कंप्लीट द वर्ड स्नेक, यहाँ एक वर्ड स्नेक दी है, ये हमें कंप्लीट करने है। अभी देखो यहाँ कुछ वर्ड्स हमें कंप्लीट करने, जैसे फर्स्ट वर्ड कौन सा है, एमेटी मैट हुआ, तभी जो रेड है उससे शुरू करना है, एमेटी मैट, तो टी रेड है तो टी आई एन टी, यानी जो मिसिंग है वो हमें अभी पेंसिल से लिखना है, तो टी आई एन टी। अभी एन से शुरू करना है तो एन मिसिंग पी लिखा है, तो हम क्या, यहाँ आई भी आ सकता है, एन आई पी नी पी हो सकता है। ओके हमने क्या लिखा, एन आई पी नीप। उसके बाद नेक्स्ट है पी, अभी इस पी से हम शुरू करेंगे, ठीक है, तो पी, यहाँ आई भी लिखेंगे तो पी आई एन पिन भी होता है, पी ई एन पेन भी होता है, तो हम यहाँ ई लिखते हैं, पी ई एन पेन। अभी हम एन से शुरू करेंगे, हाँ, एन यहाँ मिसिंग दिया है, यहाँ टी दिया है, तो हम यहाँ कौन सा वर्ड लिखेंगे, एन ई टी नेट, एन ई टी नेट यानी जाली। अभी टी से शुरू करेंगे, टी आर यहाँ मिसिंग दिया है और यहाँ ई दिया है, तो यहाँ क्या होगा, टी आर, यहाँ फिर से क्या लिखेंगे, ई, टी आर डबल ई ट्री, टी आर डबल ई ट्री। अभी हम क्या करेंगे, ई से शुरू करेंगे, ई मिसिंग जी लिखा है, तो यहाँ फिर से हम कौन सा लेटर लिखेंगे, जी, तो ई डबल जी एक। ये कंप्लीट हुआ हमारा, एक यानी, अभी कहाँ से शुरू करेंगे, जी से शुरू करेंगे और यहाँ मिसिंग दिया, तो जी यू एन गन, यहाँ क्या लिखेंगे, यू, जी यू एन गन। अभी हम एन से शुरू करेंगे, एन, एन आई बी निब, एन आई बी निब।
अभी हम कहाँ से शुरू करेंगे, बी से कर शुरू करेंगे, बी यू एन बन बी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मिसिंग में यू, बी यू एन बन। इस तरह हमने ये स्नेक कंप्लीट किया। फिर एक बार पढ़ते, एम ए टी मैट, टी आई एन टी, एन आई पी नीप, पी ई एन पेन, एन ई टी नेट, टी आर डबल ई ट्री, ई डबल जी एग, जू एन गन, एन आई बी नीप, बी यू एन बल। इस तरह हमारा पेज नंबर 59 कंप्लीट हुआ। सो 4.5 लैंग्वेज स्टडी, ये हमारा लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। हैव अ नाइस डे।